हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खारी सिंह या फिर नमकीन मूंगफली या पीनट। तो देखिए, अभी मार्केट में जैसे दुकान नहीं खुल रही है तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नमकीन मूंगफली या खारी सिंह खाने का मन कर रहा है तो आप झटपट इसे घर पर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो जाती है घर पर, और जैसे बिल्कुल मार्केट से आप लेके खाते हो बिल्कुल वैसे ही बनती है, वैसे ही टेस्ट आता है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और इसे जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमने गैस पर बर्तन में 2 कप पानी लिया है। पानी को हम पहले गर्म होने देंगे। अभी हमने 1 कप मूंगफली ली है, ये हमने कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं 1 कप। आप कोई सी भी मूंगफली ले सकते हैं, जैसे कि लंबी साइज की मूंगफली आती है वो भी आप ले सकते हैं, इस तरीके की भी ले सकते हैं। तो ये पानी हमारा गर्म हो गया है, मूंगफली हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये मूंगफली को सींग भी बोला जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, जिससे कि जो मूंगफली है उसमें मिठास बनी रहे। जो भरूच की सींग आती है वो ऐसे ही आती है, उसमें थोड़ी मिठास होती है। अब इसे हम 3 मिनट उबलने देंगे पानी में। तो ये मूंगफली को हमने 3 मिनट उबाल लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट ढककर रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हमने गर्म पानी में मूंगफली को सोक कर लिया है। अब हम छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। अभी हमने एक साफ कॉटन का कपड़ा लिया है, तो जो मूंगफली है हमारे उसे हम इसके ऊपर फैला देंगे। तो मूंगफली को हमें सिर्फ 5 मिनट सुखाना है कपड़े में। जब तक हम गैस पर नमक को गर्म करेंगे 5 मिनट, तब तक हम मूंगफली को सूखने देंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई ली है, इसमें हम नमक डालेंगे। तो देखिए, नमक हमारा यूज किया हुआ नमक है। आप मूंगफली को रोस्ट करने के लिए नमक के जगह पे रेते का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मूंगफली है उसको आप अगर नमक में सेकेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेता फिर मुंह में आने का चांसेस रहते हैं। तो नमक को हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए, 5 मिनट हमने मूंगफली को सुखा लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली है खारी सिंह, हम आपको बता रहे हैं इसकी रेसिपी, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है। तो ये नमक भी हमारा 5 मिनट में गर्म हो चुका है। अब जो मूंगफली है हमारी उसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसे हमें तेज आंच पर ही चलाते हुए रोस्ट करना है। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं मूंगफली में सारा नमक लग गया है, लेकिन जैसे जैसे मूंगफली भुनने लगेगी इसका नमक अलग होने लगेगा मूंगफली से। तो इसी तरीके से चलाते रहना है हमें भुनने तक। तो देखिए, ये मूंगफली का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, किसी किसी मूंगफली के छिलके भी निकलने लगे हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसे भुनना है चलाते हुए। तो देख सकते हैं, ये मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। जिस तरीके से भट्टे में भूनते हैं उसी तरीके से हमने इसे भुना है। तो चेक कर लेंगे इसे, थोड़ा ठंडा करके चेक करेंगे छिलके उतर रहे कि नहीं। तो देख सकते हैं, मूंगफली से छिलका बिल्कुल आसानी से उतर गया, इसका मतलब मूंगफली हमारे अच्छे से भून चुकी है। तो आपको अगर इस तरीके से खारी सिंह खानी है तो आपको भट्टे की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे भी इसे बना सकते हैं आसानी से। तो अब इसे हम नमक से बाहर निकालेंगे इस तरह के जारे की हेल्प से, छान छान के हमें निकाल लेना है। और ये मूंगफली ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। तो लीजिए हमारे क्रिस्पी करारी खारी सिंह या नमकीन मूंगफली रेडी हो चुकी है खाने के लिए। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो गई है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रिस्पी है ये। और इसके छिलके देख सकते हैं,
बेहद आसानी से निकल रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हमने थोड़े से चीनी भी ऐड की है, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे ही ये खारे सिंग घर पर बनकर रेडी हो जाती है, बल्कि हम मार्केट से जब लेते हैं ये सिंग तो उसमें थोड़े मूंगफली के दाने खराब से भी निकल जाते हैं, लेकिन आप घर पे बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसे ही इसका टेस्ट घर पर भी आता है आप घर पर बनाओगे तो। और जिस तरीके से हमने आपको बताया है तो उस तरीके से बिल्कुल कम समय में बनकर रेडी हो जाती है, बिल्कुल झटपट इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाती है खारे सिंग। तो बहुत ही आसान तरीका है झटपट खारे सिंग बनाने का, तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।